अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। अच्छा जी व्यूअर्स, आज नी जी हमारी वीडियो से ही से इलेक्शन 2022 पीएम मोदी लेटेस्ट न्यूज। सो सॉरी, ये वीडियो तो बड़ी मज़े की थी। इसमें बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन ये समझने वालों के लिए होता है, जो समझदार होगा। मुझे तो पता है आप लोग बहुत समझदार हो और ये वीडियो को समझ भी गए होंगे कि इसमें क्या मैसेज था। और बोलते हैं ना कि खींचने के लिए मतलब रस्सी की ज़रूरत होती है, तो ये मोदी साहब को जितने लोग खींच के गिराना चाह रहे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से उनकी उन्होंने अपनी वो रख दी है ना, क्या बुनियाद एक जमा ली है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको इतनी आसानी से कोई नहीं हिला सकता। और देखने की बात ये हनी कि जब अगर कोई काम इतना अच्छा कोई कर रहा हो अपने मुल्क को लेकर, जब आप गुजरात की, तो कोई कैसे हिला सकता है। बिल्कुल, आप गुजरात को आप पहले देखो, पास्ट आप देखो गुजरात का, तो उसमें आपको गुजरात नजर आएगा। और आप अभी प्रेजेंट देखो उसको, और इन फ्यूचर वो क्या होने वाला है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बिल्कुल अल्लाह बेहतर जानता है। बट ये कि अभी भी लोग इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो बहुत काम अभी के जो इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन एक एज होती है इलेक्शन की, भी एक एज होती है कि आपको इस एज तक आपको ये अपना ओहदा संभालना है। लेकिन आवाम इनको अभी भी वहाँ पे इतना लाइक करती है। लाइक ऐसे ही नहीं करते हैं कि आपको काम करके वो दिखाना होता है, वो मेहनत करनी होती है, और उन्होंने नो डाउट किया है कि गुजरात को संवारा है। खान साहब की हमारे कम एज नहीं है, उनकी भी एक एज है, लेकिन वो भी देखो हमारे पीएम बन चुके। बिल्कुल, उन्होंने भी काफी हद तक, इमरान खान ने भी अच्छा काम किया है, नो डाउट यहाँ पे। और जो मोदी है वहाँ के मोदी सर, लेकिन बहुत अच्छा, और गुजरात को लेकर ये बहुत अच्छे तरीके से चले हैं। वहाँ की आवाम ऐसे ही तो नहीं दीवानी होती है कि आप कुछ कर जाओ, कहते हैं ना, या किसी का बन जाओ या बना लो। क्योंकि पहले का मैं जो मारी मम्मा कहती थी कि पहले नो अहमदाबाद ये हतु के बिल्कुल विलेज टाइप, बिल्कुल विलेज गांव की तरीके से, मतलब ये वो तो इस तरीके से लगता था ना। तो अब का जब अहमदाबाद हम देखते हैं, अभी तो हम गए नहीं है और ना आना हुआ है, और जब देखते हैं तो हमें पता चलता है यार इतना। बिल्कुल, जो हमारे बड़े बूढ़े जो मम्मा लोग जो जाते हैं इंडिया, तो वो तारीफें करते हैं कि अब वो गांव भी पहले की तरह नहीं रहे और बहुत डिफरेंट हुए हैं, अच्छे जैसे लफ्जों में बताते हैं, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग आ गए, अवेयरनेस आ गई है, लोगों को काम करने की अवेयरनेस आ गई है। बाहर मुल्क में जो जाते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ हमें किस तरह
निज़ाम होना चाहिए, कैसा करना चाहिए। जब बाहर मुल्क में ये सारे सेटअप देखते हैं जो मोदी सर है, जो अगर वो कर रहे हैं अपने मुल्क का काम, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पागल तो नहीं है जो इतना लाइक कर रहे होते हैं। काफ़ी लोगों ने इनको हटाने की कोशिश की है। एक वक्त ऐसा भी था कि सब लोग का एक्का हो गया था इनको हटाने में। तो कहते हैं ना, अगर नीयत साफ तो मंजिल आसान। तो कुछ उन पे एक्शन भी है, तो ये हमें तो नहीं पता ना कि क्या एक्शन है, क्योंकि हम ये एक्शन के बारे में नहीं जानते कि गुजरात पे जो जितने मामला हुए अटैक्स के या जो भी है एवरीथिंग, तो इन पे जो एक्शन है वो तो हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज वो नजर आ रही है, पब्लिक फिर क्यों लाइक कर रही है अगर इतने एक्शन से? तो पब्लिक इस तरह लाइक कर रही है ना कि अगर देखो, आप ये देखो, एक घर के अंदर अगर एक बच्चा अगर सारा पूरा घर संभाल रहा हो, काम कर रहा हो, साफ सफाई का, तो मम्मा उनको ज्यादा लाइक करती है। और इनके चर्चे ऐसा नहीं है कि मम्मा दूसरे बच्चों को लाइक नहीं करती है, लाइक सभी, लेकिन लाइक कोई कोई होता है, एक कि एक काम कर जाता है इन चीज़ों में। अब वो जब देख रही है अवाम कि हमारा पहले क्या मुल्क था, पहले क्या सेटअप था हमारे गांव का, और अब क्या निज़ाम हो गया है, तो लोग कैसे लाइक नहीं करेंगे? अभी का मैं जो ये बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि मोदी साहब ने वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम करा है बंदरगाह में और ये वो, तो यार वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल, इसमें हम कोई डाउट नहीं है। हमने खुद ने हम वीडियोस देखते आपको भी दिखाते हैं कि इसमें जो डेवलपमेंट्स का काम है और यार आउट क्लास, क्योंकि उन्होंने यार जो पहले गुजरात था और जो अब गुजरात है बिल्कुल डिफरेंट है। और जो कार्टून के जरिए जो लोगों को जो मैसेज दिए जाते हैं, तो वो इसी हवाले से दिए जाते हैं कि लोगों के जहनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो एक एक आप लोगों को इस तरह एक एक मैसेज दिए जाता है कि आप देखते हो न्यूज़ में, अखबारों में और कार्टूनों के ज़रिए। तो अब तो बड़ी बड़ी पिक्चर्स चलने लग गई, अब तो सिनेमा में, थिएटरों में, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी चली है और बाहर मुल्कों में। तो एक कार्टून भी एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, कार्टून के हवाले से भी आपको एक आवाम को एक अवेयरनेस होती है कि ये इस तरह ये निज़ाम चल रहा है। इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे यार, वो मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, बिल्कुल उनके चर्चे आपको पता है, वो इंडिया में भी, अमेरिका में, यूके, यूएसए, कनाडा, क्योंकि वो भी वर्ल्ड वाइड हुए थे, ये तो सबको पता है। क्योंकि याद है आपको एक पिक्चर आई थी बोल 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 बच्चन, उसमें बोलता है ना अभिषेक बच्चन, हूँ जनरल परवेज मुशर्रफ को, एंड में आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ से हमें वर्ल्ड वाइड पता चलता है कि यार देखो मुशर्रफ साहब कितने वर्ल्ड वाइड है। तो ये देखो उन्होंने काम करके दिखा रहा है ना, ऐसे इज्जत नहीं नवाजी होती है, होती कि यार वो देखो एक पड़ोसी मुल्क में जा अपना वो नाम करना उनको, और उन लोग अच्छे अल्फाजों में याद रखे कि यार पास बनाए और इतने से कराची का नक्शा चेंज कर दिया था यार। बिल्कुल ऐसा ही होता है और इसी तरह ही काम करना चाहिए। नक्शा चेंज कर दिया था उन्होंने। और आप देखते हो कि अगर जो अच्छे काम करने वाले होते तो वो उसे हम लोग ही नहीं अल्लाह भी उनको नवाज देता है। तो इसी तरह अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। और जिस तरह हम अपने घर का नाम रोशन करते स्कूल जाके, इसी तरह हमें अपने मुल्क का भी नाम रोशन करना चाहिए। और इसी तरह हम आपके पास अच्छी अच्छी अवेयरनेस वाली वीडियो आपके सामने हम पेश करते रहेंगे, और इसमें हमें भी अवेयरनेस होती है और होनी भी चाहिए। और इसी तरह आप लोग हमें लाइक करते रहें, जिस तरह आपके हमें कमेंट्स आते हैं, इसी तरह हमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें और हौसला अफजाई होगी आपकी मोहब्बत से। और नेक्स्ट टाइम हम और मज़े मज़े की वीडियो लाएंगे। मीना मलिक की तरफ से अल्लाह हाफिज़, एंड हनी की तरफ से एवरीथिंग, हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।